नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार झा और एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल लव टू लर्न। तो दोस्तों, जैसे कि अभी एनालॉगी का सीरीज चल रहा है, तो आज मैं जो टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वो होगा कंट्री एंड नेशनल साइन रिलेशनशिप। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये क्या है। व्हेन वन वर्ड ऑफ पेयर रिप्रेजेंट्स द नेशनल साइन ऑफ द कंट्री, यानी कि जब कोई एक शब्द किसी भी पेयर में रिप्रेजेंट करता है किसको, नेशनल साइन ऑफ द कंट्री, किसी भी देश के नेशनल साइन को। गिवन इन अदर वर्ड ऑफ द पेयर देन इट इज कॉल्ड कंट्री एंड नेशनल साइन रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के लिए इंडिया, जो हमारा देश भारत है, उसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। अशोक चक्र के अंदर कितनी तिल्लियाँ हैं, 24। आपने देखा होगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच में एक चक्र होता है, वो नीला नीला चक्र नीले रंग का है, जो उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं, मीन्स जो आपने डंडे टाइप के देखे होंगे वो 24 तिल्लियाँ हैं। अशोक चक्र इज द नेशनल साइन ऑफ इंडिया। कुछ और एग्जाम्पल है हम लोगों के पास, स्पेन का है ईगल, ईगल आपने देखा होगा, शायद देखा भी नहीं होगा। फ्रांस, उसका है लीली। ईरान का है रोज। और ऑस्ट्रेलिया है, उसका है गोल्डन मेडल। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा अवार्ड एंड फील्ड रिलेशनशिप। व्हेन वन वर्ड ऑफ द पेयर गिव्स द नेम ऑफ द अवार्ड एसोसिएटेड विद द फील्ड, यानी कि जब किसी पेयर में कोई एक शब्द मीन्स वन वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको, किसी अवार्ड को, और वो अवार्ड किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। गिवन इन अदर वर्ड ऑफ द पेयर देन इट इज कॉल्ड अवार्ड एंड फील्ड रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के लिए, बुकर एक अवार्ड होता है, वो किस चीज़ में मिलता है, ई लिटरेचर में मिलता है। इन द गिवन रिलेशनशिप फर्स्ट इज अवार्ड एंड सेकेंड इज फील्ड, इट्स मीन बुकर अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने दिए गए हैं, पहला है ग्रैमी अवार्ड, वो किस में मिलता है, वो म्यूजिक के फील्ड में मिलता है। दूसरा है ऑस्कर अवार्ड, जो कि फिल्म में मिलता है। एक है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसको हिंदी में बोलते हैं, अवार्ड को पुरस्कार बोला जाता है, तो ये भी आपको फिल्म में मिलता है। एक है ग्लोबल अवार्ड, वो मिलता है इन्वायरमेंट में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में मैं चाहूँगा कि मैं नए डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया है, तो आप लोग जो भी उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनली मेरे साथ।